بران پشتی چونه مونی دیت بود سری خود کلاس پیت راز بای یه راز بای کچک آتی یعنی مای زورت بڑی دوگ دو کاندرا سوز تیز بیر رو تاکی پتھی آسنے کی پیٹھی آتھ ماہ مری منزا لانی منزا کھڑا روزن زانی میں انہی پان زانی چھاو نو پرساتی یہ کہ ہسا آیس یہ نوشتی چھنائے واس پانس دو مئی ہسا ونی واتھن دیکھ سا آرام کرن چھوٹی یہ چھاک آز واتھن پانے آرام سان जो जो आ रहा है वो अपना नाम जरा कृपया लिखिए क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा नाम नहीं दिख रहा है। मारा नमस्कार। क्या समोली गोशावा? सॉरी मारा गलती गई। नाय मारिया मैं वन में नहीं ताक पर सॉरी मो मंस बेटा। गोबिया सॉरी मामा नु वक्त वो चुको तो वो आतन। अच्छा मारा छुट्टी। सही को पोज छुट्टी छ बटवार आठवार छ सही को पोज ही मगर तो ऐसे कूटन बजिटेस कसना है या सुमिता कैसे आप क्योंकि यहाँ मुझे नाम नहीं दिख रहा आपका थोड़ा बस हयास मंजूर रोज़ों ना मैं पीन वो भी आ मैं पीन इसमें थोड़ा सा वो प्रोसीजर एक है वो ठीक करना होता है जैनी के कुछ और नहीं है पोप जी मारा बमारा चसो तो डैड जी ने खत्म आना वरी गरस मत छ आसा हशुरी पतम वोल मोजन नाराज मो गासिमन कथन पेट कल भी उतरो हिसाब किताब मान में उतर रात क्या सामान हो नाइसियो राज भाई कल भी मान अच्छा तही अस्वुद होए जल्दी हर कोई चीज अस प्रारानी छवनो बाबू ने अतर तो यमी दम राजभाई आठ बजे चाय कपा मेलिया लाजमुच आसम पावर गवना किनो तहते छ मैं वने प्रहार नहीं तो तुम से खे पका अनंता कैसे आप जंग छम जई नारी छम जई कूद का आपने नाम अपना अच्छा रजिस्टर करा रखा बाकी तो मुझे दिखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है मेंटल में भी होक में निशान मैं ते दचे तसली हो के छ मैं भी पीता मैं जरा दो चार ग्रुप्स पे डाल रहा हूं ये उसके बाद डॉक्टर काफी लोग जुड़ गए लेट मी सी नाउ यहां पे देखना पड़ेगा मुझे राजीव भारती नमस्कार रोजी जी नमस्कार रुकैया थैंक यू बेटा अगेन ज्वाइनिंग हरीश पंडित जी अभी पे तो आ रहा रोजी जी और किस पे आ रहा है में तो आ रहा है रागी प्रोडक्शंस में तो आ रहा नहीं है शशि जी वेलकम ऑलरेडी वी आर 15 पीपल हियर जॉइनिंग रजनी जी नमस्कार नमस्कार इसमें ना थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ये थोड़ा था उसमें अगर आप तल से ब्याह छाप के इजी हो जाता है रजिस्ट्रेशन करानी तो यहाँ पे भी रुक जाता है चलिए वी आर ऑलरेडी मोर देन 15 पीपल हियर तो मैं काकनी का एक्ट को थोड़ा सा बंद करता हूँ सो नमस्कार एक बार फिर मुलाकात यादों के वर्क से और आज जैसे मैं अभी एक्ट दिखाई रहा था मोस्ट टैलेंटेड द वर्सटाइल मैं एक्टर भी नहीं कहूंगा शी हैज अ वेरी यूनिक कैरेक्टर जिस नाम से वो जानी जाती है और हम प्यार से उनको
काकनी बुलाते हैं, और आज काकनी हमारे साथ है इन अर टिपिकल स्टाइल दैट जो हमेशा रहता है। और मुझे मेरी एक खुशकिस्मती थी कि मैं काकनी के साथ एक हमने छोटी सी एक फिल्म बनाई थी जो कि दूर दूर रह के ही बनाई थी मोबाइल पे, और बहुत अच्छी लोगों ने लाइक की थी, ये द कोताम रोज। उसमें भी जो उनका टैलेंट एज ए सीरियस आर्टिस्ट दिखा था, दैट वाज वंडरफुल। मधुलता वेलकम। मैं मुझे काफी नंबर दिख नहीं रहे हैं तो मैं सॉरी, मैं सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। हु इज इन द गुड़गांव, कैन यू राइट द नेम? सुमिता, ओके सुमिता, यू आर देयर, ओके। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, क्योंकि आप लोग काफी लोग जो है वेट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में जैसे आप कमेंट लिखते हैं प्लीज अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे दिक्कत हो जाती है, इसमें फेसबुक यूजर आता है। सिर्फ दो तीन ने अपना नाम रजिस्टर कराया है, सुमिता का है, अनंता का दिखता है मुझे नाम, उन्होंने पहले ही रजिस्टर कराया। इसमें रजिस्टर कराना पड़ता है, एक छोटी सी एक प्रोसेस है, वो मैं अगली बार वीडियो डाल दूंगा इसका। अच्छा, यू मैटर इन गुड़गांव, काकनी से मुलाकात हुई सुमिता जी की गुड़गांव में। तो हम जो है क्या शू करा था, आलत कड़ावश कुटगंज आलोवश काकनी वेलकम करने खतर। सो हमारी आलत काकनी को वेलकम करने के लिए, वेलकम काकनी, नमस्कार। नमस्कार अर्जु भोव जी, छुक्स क्या सरो आज तो छुक्स वड़नो नहीं आमुत साफ कर सची थोमुत। अरे काकनी आज उसे ना जैसे इंटरव्यू करूं थोड़ा उस मॉडर्न मारूं, आई लव दिस मॉडर्न तो गोपोज यान तो पागर पानुन छुन स थाहो नसरी ती रिवाज एस पोशाक छु सुई लई दिती जी है माने आज ते पता ओसी काकी छन पानी पोशाक बगर उनका तुम्हें शर्मिंद का मत करतम जादव भाई। काकनी और जी वेलकम, नमस्कार। और जी दरकुट आए बत दाय मोहनी बोनि शहजार मिल नव सारनी द्रमन सब्जार मिल मैंने कुन सा सरकार दिन कहीं आसक मे थे तो खोग लव इट वंडरफुल वंडरफुल काकनी, आते ही काकनी छा गई है, आते ही काकनी छा गई। और मैं काकनी आपको बताऊं, हमारे इस टाइम लोग हमारे साथ 29 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अभी आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन हुई है, और आई एम श्योर आगे बहुत सारे लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि काकनी से हम आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं इस मुलाकात में, जहां हम थोड़े बहुत यादों के वर्ग भी पलट लेंगे, और कुछ नहीं जो आपकी जो मैं ये कह सकता हूँ क्रिएटिविटी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, दिस इज द मोस्ट द बेस्ट क्रिएटिविटी जो मैंने देखी है काकनी का, जिनकी आपका जो वीडियो आता है बुशुस करा काकनी एम की हिंदी पठन का कि वारिया आसान कि मनचू थोड़ा बहुत दिक्कत गसा अंडरस्टैंड करना मगर दो मैं तेली मन जख म्यूट मैं शकाम पहन पोर मुतन कैसे मैं टूटा फूटा मैं कर क्या चलो चल करो काकनी ये ज्यादा पाक कशिर पढ़े ने कहा मान मैं बात ती गया जान ती गया जान रुती गया चलो मिची मिचे ना प्रॉब्लम मिची कसा कशु थोड़ा बहुत बांध मस्जिद से पगजम याद हां से पैरिम जाबा छु ना पाई मंत्रो मुतन एक आगी जाल में असला मिची आज थोड़ा बहुत सांस वहां पर मैं उसके लिए भी माफी चाहूंगा कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हरीश, व्हाट अ इंट्रोडक्शन, वंडरफुल, यस यही तो कमाल है काकनी का, इन्हीं इन्हीं बातों पे तो लोग दीवाने हैं काकनी के। नीरज पंडित इज वॉचिंग, रेनू मल्ला जी इज वॉचिंग, स्वीटी कोल इज वॉचिंग डियर, समीर दर इज वॉचिंग, ऑल आर वेलकम काकनी के इस प्रोग्राम में एक मुलाकात यादों के वर्ग से। चलो काकनी हम सातन दिन कॉन्शियस इंट्रोडक्शन करा मुझे अच्छा कुछ मुझसे एज अ वीना वांचू एज अ सोशल एक्टिविस्ट एज अ वीना वांचू फिर एकदम काकनी के रूप में आप छा गई मगर बुछुस यथान कि विंकेनस गसन मतलब सारी इम तेज बुछन वाल चू विंकेनस त्रू प्लस चू विंकेनस इस बुछा ये क्योंकि पाथ यू वातान दन पंदान सासन ताई लोकन इल बार बाकी जो बुछा काकनी उन चीज यथान की अर्ली लाइफ क्या काकनी कत जाय कत पोरुन कत कोरुन खांदर काकिन क्या मतलब यूती यू चुस यहां फिलहाल बोझ काकनी अर्ली लाइफ
इंस्टीट्यूट फील्ड ऑफ काकनी मजेदार तरीके से आपको हम सुनना चाहेंगे। बुमारचस बेसिकली चेस घर हंदवारी एसएस वनान मींस ग्रैंडफादर सन अल्लाह स्कोर चकदार हंदवारी होर तुच आकाम तच वडपुर वनान माता बद्र कली हिंद जरनतार मगर जाम छसब श्रीनगर अहल कदल मातामाल तम पद गोस म्यून शुरू यल ब थान छस पेम जन तम पद गो म्यून पढ़ाओ शुरू पनिस गरस मंस वडपुर मंस हंदवारी मेरी स्टडी ग बस दर्ज तमचन अहल कल विश्व विद्या भवन स्कूल मन एडमिट एडमिशन मोलमुत तत् मे दि त्रेमी जम पोर्मुत तम पत् मीन फा मे फादर एग्रीकल्चर मं कर तम ट्रांसफर जॉब आमेशा ओर ओर नचान तेज ड्यूटी आस तम सवान गु तो हर कुछ जाए स्कूल मं ग इवन कि गमें टंगडार तुरेस तंगडार टिटवाल टिटवाल नश तम नौकरी घबरा नौकरी खोहरपुर मक नौकरी तम टिटवाल मोन इवन कि कृष्ण गंगा यह रविंदर जी शारदा पीठ मे हमेशा याद पे कि तुम पहाड़न पे ओबुर मतलब तमच कदर पीरियडस मह कहें कि यह ओबुर क्या वनकस मे याद पे कि ओबुर छलस तथा पहाड़स वह तो बस वन पनस फादरस बह ना यह गर दोपन ना ना अमस ठे अत यह नुन कह सो शीशु आसा तो गुक स्टेज परफॉर्मेंस मे कर्म पांच वर्ष बस टंगदार करना पारा गुजर तथा पहाड़ी लैंग्वेज तो तथ स्टेज मं 26 जनवरी 26 जनवरी उस प्रोग्राम टीचर हेडमिस्ट्रेस रतनी कोल तम से सर्विस जाए तो गर्ल्स स्कूल में तम दो करो तो मैंने किया तथ पहाड़ी बथ अवन सह वन याद मे क्या उस बोलन बथ सो बोजना बु मिस्र अगर तुम बोजन कड़या पारिया करीमा में तैर उड़ती जांदी सजना टूर गया यूसुफ सुख देसलेखा कड़या पोरियो है लेखा बस ये मेरे सूत्र शम याद रोज मत तो इवन इवन मैं मिलता था फर्स्ट प्राइज तथे सारे खो लक तम पत् गए बे वापस आये हंदवरस मन मे फादर उस गुरेस मं गए तौर मतलब हर कुछ जाए पुन मैं स्कूल पोर्मुत इवन गणपति आरस मं सी जाए पत् पोर मैं लास्ट ये मे खर गो बस रन वार रोजान मासी नश तो विश्व भारती स्कूल मं कॉलेज मंस ग तो अलेवंथ पत ट्वेल्थ मज गई मैं मैरिज अचानक मोन हस्बैंड तम इंदौर रोजान यम 1947 मज द्राम पांचो फैमिली तो तथे आव मोन टेकिन आए बाय चांस कमिस तंजन तो पहुंच गई मेरे पास मेरे पेरेंट्स के पास तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है टेकिन ची मेला तो 89 में मेरी शादी हुई है 89 में शादी हुई है तो पहुंच गई मैं इंदौर तो 90 में हम दिल्ली आ गए थे इंदौर से वाज सबको वहाँ पे NBCC में जॉब मिला तो वहाँ से हो गई ये जो स्टार्ट मेरा। क्या बात, तो आप मतलब सीधा कश्मीर से इंदौर जी फिर वापस दिल्ली। दिल्ली कब आए थे 90 में वापस? हंदवार से इंदौर। खंडवार पे इंदौर वो जो तो यहाँ मे पे याद मे मे कशुर चलान पे पुत ग हिंदी चलान सो काकनी टिपिकल अंदाज पे मे याद तो काकनी मे ऑब्जर्व कोर्मुत क्योंकि काफी टाइम से मैं भी जानता हूँ आपको मे वोचमुत कि पे सोशल लाइफ मं क्योंकि चून अख पोस्टर मे याद आई डोंट नो अदर आपके उस इसमें बनोमुत चून अख वीडियो अख तथ मे आसू ये
என்ன சோசியல் லைக் இட்ஸ் டேக்கஸ் லோக் மூச்சு तो इग्नोर 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 यस 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 एक आपका बेहोश बच आख तुम जो फोटो गए कभी ज्यादा पॉपुलर तुम साथ सो यस 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 किसके तुम साथ हाउ इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दिस माइग्रेशन और कुछ और था बेहोश सब ना ये तो माइग्रेशन वक्त उस ने बता कि यस मीन मदर इन लॉ मीन हाश वसन मीन वरी वसन तति उस के घर है तिमन दोहनन कोशिश है مطلب شیٚے سَتھ گرٕ ٲسۍ پَتہٕ ٲسۍ تَتہِ یُتھُے خانٛدر کٔرِتھ چھَسو بہٕ وَنان یہِ وُچھ مےٚ تَتہِ پَنٕنِس وٲروِس منٛز تَتہِ ٲسۍ شال وٲلۍ یِوان کٔشیٖر پٮ۪ٹھ کٕننہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ باقٕے لٔڑکہٕ پَرنہٕ خٲطرٕ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ اِوٕن کہِ تِم ٲسۍ مُسلِم تہِ آسان بَٹ تہِ ٲسۍ آسان بَٹ مایگریشن ٲس نہٕ گٔمٕژ تَمہِ دۄہ کیٚنٛہہ میٲنۍ مَدر اِن لا یُس ٲس یہِ ٲس تِمن کران آلو سۄ ٲس کٲشِر وٕچھِتھ نہ خۄش گژھان یِمن کران آلو پَتہٕ ٲسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ کھیٚناوان بیٚہناوان تُہۍ چھُو کٲشِر مطلب تَمہِ دۄہ اوس 89 منٛز اوس نہٕ یوٗتاہ پرابلِم کِہینۍ نہٕ ٲس گٔمٕژ کٔشیٖر سٹاٹ بَٹ یِمن ٲس نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ مےٚ وُچھ پَنٕنۍ مَدر اِن لا واریاہ سوشَل کٲم کران اَسہِ اوس کٔشیٖر تہِ ٲسۍ أسۍ سوشَل کٲم کران سٲنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ 50 فیملیٖز مُسلِم پَلان کیازِ کہِ اَسہِ ٲسۍ چکدار وَنان اَسہِ اوس زٔمیٖن تہِ اوس سٮ۪ٹھاہ اَسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ نَفر کٲم تہِ کران بَٹ خانٛدر کٔرِتھ وُچھ مےٚ پَنٕنۍ مَدر اِن لا تہِ کٲم یہِ سوشَل ؤرکر واریاہ واریاہ زیادٕ سوشَل ؤرکر بَٹ اینی ہاو بہٕ ٲسٕس مےٚ باسان مےٚ اوس نہٕ قٕسمَتَس کیٚنٛہہ میٲنۍ أکِس ؤریَس منٛزٕے فادر اِن لا مَدر اِن لا بِچٲرۍ سۄرگَس گٔے تِم اُس کے بعد تَمہِ پَتہٕ اکھ پھیرَن درٛاو تَمہِ منٛز گرینٛڈ مَدر اِن لا ہُنٛد جو یُس مےٚ لَگومُت چھُ وٕنکیٚنَس سُے درٛاو تَتہِ کَشمیٖر تو مےٚ ووٚن تَتہِ مٔمی مےٚ دوٚپمَس یہِ نِمَن یہِ کَرٕ بہٕ یوٗز دوٚپُن ژےٚ کیٛاہ چھی کَرُن اَتھَن مےٚ دوٚپمَس نہ بہٕ تھاوٕ یہِ پانَس اَتھِ خیر تِمَن دۄہَن ٲسۍ شال بَناوان مَفلَر بَناوان یِمَن پھٮ۪رَن یِم پرٛٲنۍ ٲسۍ گژھان اوس نہٕ کٲنٛسہِ آیڈِیا یہِ گژھِ تہٕ اوس مےٚ سُہ مےٚ سۭتی پَتہٕ یُتھُے بہٕ دِلہِ آیَس دِلہِ ہیوٚتُن کَرُن لُکو پرٛوٹٮ۪سٹ ہیوٚتُن کَرُن ییٚتہِ جَنتَر مَنتَر ٲسۍ گژھان بَٹ اینی ہو سُہ اوس نہٕ اٮ۪ڈوَٹایزِنٛگ گژھان اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ کہِ کٲشِر بَچہِ چھِ تَتہِ درٛامٕتۍ کٲنٛسہِ ٲس نہٕ پَتھٕے لَگان کہِ کٲشِر بَچہِ چھِ درٛامٕتۍ میٖڈیا تہِ اوس نہٕ تِتھ کٔنۍ یِوان کیٚنٛہہ یِتھُے مےٚ ہیوٚت مےٚ کوٚر پَنٕنہِ جایہِ فرٛٮ۪نٛڈ کہِ سٲنۍ آیڈٮ۪نٹی کیٛاہ چھِ میٖڈیا کِتھ پٲٹھۍ یی تِم أسۍ چھِنہٕ کُنہِ طریٖقہٕ کٔشیٖر یِوان بوزنَے اَسہِ چھُ نہ پَلو نہ چھِ پۄشاک نہ چھِ أسۍ چھِ ہِندی بولان ییٚتٮ۪ن بَٹ آیڈیا کیٛاہ ہے آیِنگی کیسی وہ میٖڈیا ہمارے پاس کہِ ہمارا دُکھ درد کیسی سُن لے گی وہ تو مےٚ پھٮ۪رَن پہنا سٹاٹ کیا جَنتَر مَنترَس منٛز ییٚلہِ جوٗنَس منٛز پھٮ۪رَن لَگوو پَتہٕ پیدَل پٔکِن تِمَن باسیٛو کیٛاہ تھانۍ چھُ ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ تھانۍ چھُ گژھُن اور ماتھے پے وہ وائٹ پٹی پے اگنور لکھا ہے تو سو دیٹ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا نظر لٔج گیا نٹی بِہِتھ مےٚ دوٚپ وۄنۍ پنٛژاہ نَفر وٕنکیٚن چھِ وٕچھان اِز اَ ریلی اَ گریٹ تھِنٛگ سو پٕلیٖز کَنٹِنیوٗ اچھا آپ کا پھر اُس مےٚ جو آپ نے پھٮ۪رَن اوسُے ژھُنمُت ژےٚ سَن ٲلۍ آ پھٮ۪رَن یُتھُے مےٚ ژھُن بیٚیہِ اوس پٹی لَگان تَتھ اوس اِگنور لیٚکھِتھ تہٕ میٖڈیاہَس توٚر فِکرِ کہِ کیٛاہ تھانۍ چھِ کٕم تانۍ جانوَر چھِ اَتٮ۪تھ کھڑا ییٚمہِ یُتھ پھٮ۪رَن چھُ ژھُنمُت تو میٖڈیا آنے لَگان میٖڈیا آنے لگی بھائی آپ کہاں سے ہو یہ کہاں کا ویسے یہ کدھر ہے پھر کشمیر کا سٹارٹ ہو گیا جنتر منترس پہ کس پیدل ننگے پاؤں گھومے جونس میں جون کا مہینہ مطلب کوئی ایسا مہینے کے یہ نہیں تھا ہر بار جب پروٹیسٹ ہوتا تھا تو میں اپنا ڈریس پہن کے ہی جاتی تھی کشمیری ڈریس پہن کے جاتی تو اس دن سے لے کر آج دن تک چاہے وہ فنکشن ہو چاہے وہ شادی ہو چاہے وہ مطلب مےٚ کوٚر پَنٕنی گَرِ پٮ۪ٹھٕے سٹاٹ مےٚ نہٕ گَرِکٮ۪ن اوس مطلب رِلیشَن مےٚ خانٛدَر آسان بَٹ ایک دِن مےٚ پھٮ۪رَن پہنتی تھی چاہے سُہ مٲنٛزِ راتھ آسہِ چاہے سُہ گَرٕ اَژُن آسہِ مےٚ پھٮ۪رَن پہنتی ہی پہنتی چاہے کُچھ بھی ہو لوٗکھ ٲسۍ گۄڈٕ اَتھ تھوڑا سا نہ وہ وٕچھان مےٚ اُس کی طرف ہاں مےٚ نے اُس کی طرف دھیان نہیں دیا کاکنی کاکنی نام پڑا ہے ایز اے اولڈ لیڈی کاکنی بٹ کاکنی ابھی برانڈ ہے Now, Cockney is a brand. You are rightly said. मतलब ये पे मानुन में देखो क्या होता है जज्बे छकान कुनी तरीके इंसान एक्सप्रेस करे बट चकुरुत पनुन जज्ब वनन विच जो फेरन एंड यू गॉट अट्रैक्टेड पर दोपहर नसे ये फेरन सुन बु जूनस मंस बे जूनस मंस बे जंत्र मंत्रस पर गसुन फेरन लगेट
सुचो सो जज्ब तम साथन, जिस जज्बे के कारण आप निकले। और दुयम का जो उसमें खोश कर कि सगयक पद खांद्रता इमान सुनो चाहिए एंड सचमुच ही आज लोग शर्म नहीं करान चिनाज तिम चु सुनान प्राउड सान फेरन क्योंकि ये उस काकनी यम शुरू को सो काकनी ट्रांसफॉर्मड दिस दिस थिंग मे कोर मतलब मारिया बुझ में इवन यंगस्टर्स बुझ में हम आज लगान छ टाच टाइप सो जो ड्रेस लगाते हैं प्लस काकनी फेरन लगाते हैं ड्यूरिंग लगन टाइम आई कैन नेम द पर्सन कपिल दार एंड उसकी मिसेस जो आजकल यूके में रहते हैं दे आई वाज रियली थ्रिल्ड टू फाइंड देम बिकॉज यू आर द इंस्पिरेशन सैल्यूट प्लीज कंटिन्यू तो फेरन छु अख एस पानी आइडेंटिटी ई पाजे हर कुसी इवन की अगर ने लागन तेन की बुझस दपान हर कुछ कोरि गसी तो अछि दिवान दोति भंडार छि दिवान दोति भंडार अगर दोति अकी बाल अख फेरन थाओ सो है कि पगा कल मुनिथन पानन बचन की सु आइडेंटिटी छि चाहे तुम लागन या न लागन बट अथ फेरनस मन छि वारिया अही वारिया आशीर्वाद इछ ललदेज हुन इछ रब्बा वानन छि मा शारिकाय हुंदन वास चाहे वनो बो फेरनस मुतलकन यस एसिम कलस लागान छि कलपोय जूज पूज तर्ग अथ मन छु यस जूज छि यत लागान तथ मन छि ये नागाजे नाग सर्फ लोट आसन पूर पूछ पे कि ना हिस अलग करी था शु नाग ही हुआ सर बिल्कुल शिव शिव जन आज ची पैठ आख तिल काम सीतन डिजाइन बनाए बित या जन सुश बासा सर्फ सुन काल सर्फ सुन पर जाव करी थी याबत बे त्रिशूल क्या बात उस पे है इवन कि मैं फोटोग्राफी नहीं मैंने रिसर्च भी किया है इसमें राज तरंगी में भी लिखा हुआ है और सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि भाई ये है ये शिविज्म का है ये हमारा आशीर्वाद है और बिचस मिकेंस या आपके थ्रू रिक्वेस्ट करा सारी अगर तुम इसे लागू फेरन ये शो के लिए नहीं पहन इसको फेरन की तरह पहन अपनी आइडेंटिटी को लेकर पहन कश्मीरियत को लेकर पहन और शिव सुन वास इसे मां रगना हुन रब दे हुन शारिका हुन अमित आशीर्वाद छुता है इसको फैशन के मतलब और चिकना टाइम पास आज छु प्रोग्राम वाल लागो जूज मत असन कल पुश मत असन हो मत असन तो लागो बट तो इनकम्प्लीट चीज जो पहना जाता है उसमें पॉजिटिविटी नहीं आती है कशीरे स्वानान कोरी तालिगा से जुलटास कैमकिनेस स्वाना तालिगा से क्या इसकी यूसेस लागा जी ये देखिए आज तक नाग सुनवास क्या बात तो नाग सुनवास की इनके शिव का वास है वहाँ पे इसलिए इस दफा कोई ताल में दी होता है जिस ताल में दी होता है ये चीजें मैं आज मतलब जो थोड़ा बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब वारिया आत्मशुनेरा इस चीज से फेरन्स पर डिस्क्राइब ब्याक चीज नॉट ओनली फेरन चून वीडियो ऑक्शन में पूछूं तो दस्तार मर्दस उस दस्तार लगावान छु सुच में वछु उतरे करत से बे ये क्रिकेट मैच होस कहता है ताज करसानी कैप्टन से दस्तार बंदी ई किस के आओ ख्याल ये दस्तार ते करो शुरू मैं वो महाराज जाए दस्तार गंडा मैं उसके सा अंदर फील महाराज तो महाराज मतलब मैं उसके फील ओ यार ये कुछ आसान पेट ओबर त्रेवि था और पत्त बेकदरी पठ ई लागन दस्तार से दस्तार छ फरक लगाम सनिस दस्तार जिस पर की लाठ छ आसान लकड़ से छ फोल्ड ई मकान से छ पर की एक पर वा थान दोगुन के छ अर्च लागा सरदारन पर दस्तार अर्च लागा उंटरी खुटरी चलो प्रोग्राम छ निपटाओ बट सीखो किसी से सीखो इच तो भगवान की चलो मैं आ इंटरेस्टिंग वीडियो हाँ उस वीडियो में डाला है मैंने एक को बांधा भी है वो हरी पर्वत में मेरी 5-10 बंदूक को पहन बांधा उस दिन तो बांध के देखो तभी मैंने वो वीडियो डाला है मैंने इसका फेरन का भी वीडियो डाला है कि कैसे पहनना है इसके बाद क्या चीज पहनना है कई लोग उल्टा पहनते हैं टारगेट से उल्टा ही लागा नहीं पहनना चाहिए अगर अगर नहीं पहना आता है तो पूछो किसी से पूछने में कोई दिक्कत नहीं मैं बैठी हूँ यहाँ पे बिल्कुल अगर किसी को वीडियो पे भी किसी के लिए भी किसी टाइम भी जरूरत हो मेरी फेरन पहनने में या दस्तार साफा बंदी करने में मुझे कॉल कर लीजिएगा मैं बता दूंगी किस तरीके अच्छा लगता है अगर प्रॉपर वे में होगा
जावेद भट्ट साहब इस टाइम देख रहे हैं सोपोर से, पिंकी शुभन कौल जी, सुमित भट्ट, राजकुमारी भट्ट, रजनी जी, चंगू जी देख रही है, सरला पंडता, माय सिस्टर इज वाचिंग यू, मधुलता, हरीश एंड अदर 13 आर वाचिंग दिस टाइम। बहुत सारे लोग इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है आपका, खासकर फेरन और दस्तारस पर टूजेश कराने। हाँ, आपका फेरन दो बेई फेरनस पे कर। यूस अनहर्शी कूर चे आसा तेम स्पाइज ने का यो तार्ग लगाऊं की। तेम से अगर फेरन लगाऊं चे सिर्फ कल कोशी और कल से था। अनहर्शी कूर। तात क्या फर्क? ये समझे दो थोड़ा बहुत। इच खांद्र पत आसान ये लगाऊं न तार्ग पूछ में मारिच ना तार्ग लगावा। तो कैसे पत मैरिड। अनहर्शी कूर मा इस लगावा तार्ग। अनहर्षी कोच सिर्फ टोपी और तील ऐसा कल पुश कल ढकल खत सर को ढकने के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा टेम्पल पुश में काकन जो है क्रिएट ओवर और काकनी रेज वारिया टॉपिक टेम्पल मगर मंसकोर में नोट आख कि काकनी है पोइट्री दिले खाई आख आख चीज विस्बवान उनके सुकरी हिम्मत मतलब वही लोग मन चलाओ ना जो स्पिरिचुअलिज्म में जाता है। काकनी ल्यूक आख जिस मैसेज ने डिस्कस करया मैं मुझे लगता मैंने ही वीडियो बनाया था उसका यथमन से लास्ट राइट्स मन क्या क्या छुआ करना मतलब मिसाल डेथ गसान तमसान क्या छुआ क्योंकि मैं छु याद क्योंकि वारिया अच्छे यंगस्टर उनके नस तो मना से पता ये मैं सानी माज आसा या काकनी सानी दादी वगैरह आसा तिमास पानस किस या इवन दादाजी ऐसा सा तिमास पानस किस सामान सामान आखरी टाइमुक सामान बराबर रेट है तैयार करें ऐसा था वहाँ दबाई जिस ट्रांक कस्मन म्यून सॉरी राम राम पाठ में या तिम राम राम पाठ ची उची ची मगर सगया तिम को ब्रू थोड़ा बहुत से ल्यू खुद तार पे टाट सो सु किसके आव दिमाग इसमें मैं या मैं मतलब सारी असनस पे गिनस पे जनस पे वोदन पे सारी बात बट लास्ट स्ट्राइक पे जो जो हो रहा है वो क्यों नहीं मैं गाने के रूप में या इस रूप में उसको लिख लूं तो लू करण आज कम एक्सेप्ट लूक लूक दपन बल मैं उस त्रोमती विच वीडियो तो था बट किसी ने इसको लाइक नहीं किया है बट इसमें अगर देखा जाएगा जो आजकल के बच्चों को लास्ट राइट पे जो रिचुअल्स होते हैं पता नहीं है वो इसमें मैंने एज ए गाने के रूप में उसको बताया है कि लास्ट राइट में क्या क्या चीजें होनी जरूरत है वहां पत पच पच वार चिवा पच शेर चिवा पच आखिरी वर वर इवान तब तक मैंने लिखा है कि क्या होता है। इच्छु मैं टीम और मोना वारियान गया विश्वयात अफमस कमिश्नर है चक्या जो को दिए मगर एक रियलिटी इससे हम भाग नहीं सकते कि डेथ इज ए रियलिटी और उस पर आपने लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा। मैं अगर टाइम मिल मैंने वो वीडियो सेव कर रखा था आई विल ट्राई टू वॉच दिस शेयर दैट मगर ब्याक उस टेम्पर दो सीछे मैं सोचता हूँ आपके ख्याल क्या क्या सोचते रहते हो आप फिर आपने एक दिन वुरीबल पर डाल दिया तो वट वट वॉज दैट इन माइंड कि वुरीबल एस्पेक्ट एंड बट वो सुनना चाहूंगा मैं थोड़ा बहुत मैंने बहुत सोचा मतलब बहुत वाह वाह कश्मीर में कश्मीर के लोग यहाँ हम भी बोलते हैं वाजवान 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 भैया बटते रोजान बटन हूं एक्चुअल वुरीबल बहन सारे आसान मैं क्यों ना इस पे गाना बनाऊं बट हाँ गाना बन गया है लेकिन मैं स्पॉन्सर्स ढूंढ रही हूँ उसको शूट अच्छा, करने के लिए। हाँ गाना तो बन गया मैं करूंगा पक्का। हाँ बस स्पॉन्सर्स ढूंढ रही हूँ तैयार करनी पड़ेगी मुझे करेंगे तो ये वुरीबल से मैंने सुनाइए क्योंकि अभी आपने रिलीज नहीं किया तो एक दो लाइनें एक मिनट में सुनाती हूँ आपको। मैं तब तक ये अपने देखने वालों को ये बोलूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डेडिकेट इस तरह अपने कम्युनिटी के लिए करते हैं एंड आई रियली सैल्यूट काकनी फॉर दैट प्लीज काकनी। अरे नहीं छोटा थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो सभी लोग कर रहे हैं थोड़ा काम करने से ये तो मानना ही पड़ेगा।
बट मेरे को बड़ा वो हो रहा था कि हमारा बुरबल क्यों नहीं है, वाजवान है, ये वाजवान बहुत आपके अच्छा शो है, में भी, हमारे शो में भी ये तो वाजवान देखा, बहुत अच्छा है, आज प्रेस जोड़ना याद है। ऐसे कशीरी वो बुरे दीवान पशोय शाइन तोर उसे चपन हता चा ता ते पुलहरी आसा पाजी नई व्यासीवान अरे नेबर में शू शाइन उस का नाम नहीं दिख रहा, बट इसमें नाम नहीं दिख रहा जो अभी लिखा ना आपको, आपके लिए मैं बीच में शेयर करता हूं, बट आई थिंक दिस मस्ट बी विनीता, आई एम नॉट एबल टू सी द नेम बट डेफिनेटली दिस मस्ट बी विनीता जिसने काकनी, कैन यू राइट द नेम, जो लिखते हैं ना कमेंट इस तरह का, वो आपने नाम भी लिखे, मुझे सिर्फ फेसबुक यूजर इसमें दिखता है और इसमें भी मोबाइल में भी आज पूरी तरह दिख रहा। चलो प्लीज कागनी, मैं इसका उर्बल का वो थोड़ा सा, गला मेरा ठीक नहीं है बट मेरी वॉइस नहीं अच्छी है, एज अ सिंगर नहीं हूँ मैं। उर्बल सोनी क्या चिशो बेदार पहन चारेंद हुंद छुस चमत्कार, उर्बल सोनी क्या चिशो बेदार पहन चारेंद हुंद छुस चमत्कार, गुरी ते में चिची मुश्की अथ फार, उर्बल सोनी क्या शोबेदार गुरी ते में चिची मुश्की अथ फार, उर्बल सोनी क्या शोभेदार। यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, न्यू जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि गुरु में क्या है, इवन कि बाइडेन की आप न्यू की बात कर रहे हो, हमारी हमें नहीं पता गुरु में क्या है। इस पहाड़ स्पेट मतलब कहते सासा लाके लाके पहाड़ के शीले सासा ये कन्या तालो इस कड़ान स्पेशली कन्या तल यह चीज मनान ची आजकल मुल्तानी मिट्टी सो इस कंटली वन स्पेशल कार्ड कनि तल पहाड़स खानन स्पेशल कन प्यूत सैख पीज तथा मुल्तानी मिट्टी वन सैख तुरट मेज तन सो ज्यादा तर सहलब तमें पे गुरट मिट खसान गुरट मेज खसान हर तो ये इसकी ये बहुत लंबा है, ये तो मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जियों का सारे बीच में एक सब्जी का मैं बता दूंगी ताकि लुकनमई पॉइंट टाइम से रोगन जोश क्राई एल असी छी कड़ान दीचेस मंज ग्राया ओस मारान, रोगन जोश क्राई एल असी छी कड़ान दीचेस मंज ग्राया ओस मारान, तत कुन वुछित है दिल तंबलान असन बाकी बाकी पूंछ क्यों, उर्बल सोनी क्या शोभेदार बहन चारन हुंद छुस चमत्कार। ये बहुत बड़ा है, थैंक यू रितु जी, रितु पलटा जी, हां जी थैंक यू, कपिला जी, संजय जोशी जी भी देख रहे हैं, राजीव यू आर ऑलवेज देयर। हाँ विनीता मैंने पहचान लिया था, जो आपने लिखा था मैंने पहचान लिया था, बिकॉज मोबाइल पे नाम आ जाते हैं, इस पे नाम नहीं आते हैं डायरेक्टली पे, इसलिए मैं मोबाइल भी बीच बीच में देख लेता हूँ कि नाम देखने के लिए। थैंक यू कागनी, मैं मतलब थैंक यू उसके वन कशिर पठन टिपिकल कागनी अंदाज वन, शुक्रिया आशम वन तथा शुक्रिया उर्दू बढ़े कश बढ़ गया उर्दू है अच्छा वारिया वीडियो चितिम्सन्स। बीच में मैं एक आधा वीडियो आपका दिखाना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं, और उसके बाद में इसकी के रिलेटेड क्वेश्चन है। वावन अबर हाय क्या गोम ड्राइव ये बैग है तो बेलियो ट्रांसफरी गई थी आज बैग इस ललना वान तन भी यूर ये आज हाथ में बैग इस मस्काची शी इज काकनी آرام سان سل دل مگر کتنس کر تو
वंडरफुल, थैंक यू संजय शर्मा जी, थैंक्स, वंडरफुल। वही बंद मैं आशीष, पहले मैं थोड़ा सा अपने ब्रदर माय रोमे अशोक पंडिता जी इज वॉचिंग हियर, थैंक यू संजय शर्मा जी फॉर लवली वर्ड्स, माय ब्रदर अशोक पंडिता, कपिला बच एंड अदर सिक्स अदर्स आर वॉचिंग। जब ये एक्ट आप करते हो, उससे कुछ और एक्ट भी मेरे हैं, और ये एक्ट तो इसने तो मुझे पहले भी रुला दिया था, या मैंने देखा था इच्छा एक्सटेम्पो असांग आज सच स्क्रिप्ट लेखा गोल लगी इनिशियल ये दिमाग में दिन साधन नहीं इसमें बचस ने स्क्रिप्ट लेखा नहीं अगर वो कुछ मतलब एक्टिंग तो कर कुछ सच में काम कर तो मैं चस दोबारा तो बनी में थीम क्या है कारण क्या वो मैं देख चुका हूं बस उतना ही बोलो कि भाई इस पे करना है अगर वो कुछ भी बोले वो सामने बोला अगर स्क्रिप्ट परिस्थिति वाइनी तो मैं उसको जवाब दूंगी ऑन स्पॉट तो मैं लिखती नहीं हूँ जो अभी आपने डायलॉग इसमें सुनाए थे मतलब रियली इमोशनल डायलॉग जो हमारे हम लोग सबको ही फील करा है सो so, मतलब तिमज राम में तिम साधन अंदर कश पड़े होना वजह में तिमे साधन पाने जो भी लिखते हैं इवन की एक्ट मैं जो आपके मैं बाद में दिखाऊंगा जो एक مے گون تمس کساب سوس کساب لگی تاس ایون کساب گو تھودی پانتن ایمس سوس کساب لگی تھی وان ہاں کساب لگی تھی وان تو بس پات اس بہان نیشن یہ کر لکھ تھوڑا بہت دکھا دے وہ کیونکہ ابھی لوگ سیریس ہو گئے وہ بھی دکھانا ہے میرے پاس اتا تو چائے والا ہی ہے نا دل مز تل کرائے مجھ تھی آپ گرمی کن دون رتن اس گھر یور آنی پتہ چھ پانے ستن طاقت ہند گھر کت پہ ڈال مارا ثال مارا اکہ دار نیرا دم دار آلو تو کرکت چکہ دال ٹھیک آلو کر کیا کرو طوفان ووت کافی آلو کر بتھے پھٹان थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है चलो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम की दिक्कत है तो मतलब आपके मैं तो अप्रिशिएट ये करूंगा कि आपके सिस्टर भी कमाल है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा जो है इसमें आपका साथ दिया तो लगता है कि आप लोगों को खानदानी एक्टिंग आती है सबको ये कश्मीर सारी एक्टर माना जाएगा कश्मीर सारी एक्टर तो मगर पिक्चर नहीं रहते हैं विचार कोई हॉल मंजन पाते हैं तो क्या तस्ती मसू एक्टिंग मशा तो थोड़ा सा एक्ट हो जाए कुछ एक्ट हो जाए वैसा क्या सपोजी छा सा पोजी छा सा बुवाना शिया याद शिया याद ये सो पोते पिक्चर हॉल मजरात تمس امیتاب بچن شرابی پکچر کت پہ کور ایکٹنگ تو دب لوگ یہ اگر نو آس تتھن تو کت وقت تھوڑن تت تھی بھائی
वंडरफुल यार, सचमुच एक्सटेम्पो ही आपका यार, फटाफट ही आपने कहां से आपके दिमाग में आ गया, वंडरफुल यार, सैल्यूट यू काकनी, आल्सो बीच से काकनी बना, चलो वीना जी नाम ही भूल गए हम लोग, somebody had written I'm from also Wadipura, क्या नाम लिख सकते हैं, I have seen you first time J K Kanzak, हाँ एक दिन आपने एक हमारे उनके साथ किया था, आई थिंक क्या शुनान सोपोर भाषा सोपोर इंची असली सोपोर भाषा ही तो आएगी आपने दीप जी के साथ किया था, सो व्हाट वाज दैट, वो स्टेज जो किया आपने, आपने स्टेज एक्टिंग भी की है क्या, काफी वायरस स्टेज पे कर बताइए, जे के विचार मंच की स्टेज पे किया बहुत सारे प्रोग्राम, अच्छा अच्छा तो तात्मस क्या हो सासा मेन थीम्स क्या जो तो तात्मस था वहां मेनो सी मतलब एक तो बच्चों का होता था प्रोग्राम लेट तो मैसेज सिर्फ मैसेज देना था कि जो भी हम प्रोग्राम आजकल जो करते हैं इतने सालों से करते आए कश्मीर से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं किसी को आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि भाई हम तड़प रहे हैं यहाँ पे तो इस तरह कश्मीर होती उस मेन थीम आसा काकनी वंश बड़ा इम्पोर्टेंट था या फिर मैं कुछ काकनी की वीडियोस थी उस काकनी शुभ आसान में बड़ा सेठा दर्द काकनी सुगो जुब टॉपिक्स आ कुछ में इंटरकास्ट मैरिज पर जी वारिया भी आगे तो भी लिखूं बे लेट मैरिज क्या बच से नहीं करा आत्मस क्या काकिन बने टिपिकल स्टाइल है दोनों लेट मैरिज बच से क्या से करा अजिक बच यम छ ना तुम छ पानी खतर जियान मैं बताऊं पार्नस कुन ज्यादा गमित पाते जॉब मेज हायर कंपनियन मंजर तक खाते में लुक्त थी इमन छन पन मैरिज छन इमन इंपॉर्टेंट की बात है मैरिज करनी मगर हुची एज ते बड़ा पाची अगर कोर खांदर तेत्र अक्त्र दायत्र वरिष आजकल ची इमे इथी थी इम यवान बायो डाटास तो हुन तो मैं आख चीज का 33 ईयर पूर अगर का या लड़क कर खांदर फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ फ्यूचर कर खांदर तुम छ पाते ट्रांसन वरियन बे प्रारान शिरे हिंद एग्जैक्टली 33 प्लस 4 को तगाओ 37 पाद जीव शुर शुर यम तो दहवु राय से मोल मोज का छु राय से बुढ़िया मुत तो किसके लिए जी रहे हो अपने लिए पर इनको ये नहीं पता है कि वो बच्चा जो पैदा कर रहे हैं आप शादी भी लेट बच्चा भी लेट उसके पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो कुछ भी नहीं दूसरी बात अगर मैं शुरू फैमिली या थवन या कूर जे या लड़के जे थवन आख बच एक इस बच्चस मैं मेरे को बहुत दर्द हो रहा है मतलब के लोग करण आत्मस क्रिटिसाइज मैं माइंड नहीं कर रही हूँ उन चीजों के लिए बट दर्द ये है कि आज ये सिचुएशन ये आगे विंकेस मेन से हताम छी विंग्स बाइच चलान बट मेरे बाद में जैसे मेरी बच्चे हैं मेरा बेटा है एक बच्चा रखेंगे तुम दपन ये बोय कुछ जानवर छो ये बेन कुछ जानवर छो ऐसे पाती छन बहन बोलेगी भाई कौन सा जानवर ये मास कुछ है ये माम कुछ ये पितर कुछ सब खत्म रिलेशन खत्म और खांदरन मंस यूज इंपॉर्टेंस आसा छ मासी क्वाफी मामस पितरस सुरीति रिवाज खत्म मतलब कोशन हम सॉरी सिस्टम आने वाले 10 साल के बाद ना इस पितर को ना इस मास को ना इस पफ को ना आसी क्या चलन मामिन को मामिन को नहीं जब मामी हो तो मामी का यूस इमन हुंद रोल छु खांदरन मन सुबह सॉरी खत्म पाने को कशीर हुंद बटन हुंदन को सॉरी कल्चर ही खत्म आठ पे छु काम कर एट लीस्ट नॉट ओनली बटा काफी लोग नहीं काफी लोग मैं बकर पाने का सर बाकेन हुंते मगर आठ पे छु काम ये करें एस पेरेंटन कि शिरस मानो कि भैया पर्नस छुन कहीं एंड
خاندر پتہٕ ہیٚکہِ اِوٕن مےٚ کٔر مٲلۍ خاندارن بہٕ ٲسٕس ٹُویلتھس پران کیا میری ایجوکیشن سٹاپ ہوئی کیا نہیں ہوئی میں نے پڑھا وہاں پہ اس کے بعد میں نے بہت سارے کورسز بھی کیے ہیں اس کے بعد میں رام دیو کے آشرم میں 6 منتھ رہی میرے ہسبینڈ نے میری ڈاٹر پیدا ہوئی تھی وہاں پہ یوگا ٹیچرز ٹریننگ لی میں نے شیشن روی سینٹر کے یہاں گئی تھی اسمال اسکیل انڈسٹری کا کورس کیا میں نے تو مطلب کام تو کیا نا پڑھائی کی ایل آئی سی کر رہی ہے نیشنل انشورنس کا بھی کیا ہے ایل آئی سی کا بھی کیا ہے تو پڑھائی میں اینڈ نہیں ہے یتائیں سانس ہے یتائیں دماغ چھ ٹھیک ہے اس کالج چھ کنٹینیو پڑھ بٹ یو سی چھ ایج نیرا اس باقی چیزن ہی خطر نیرا یا تو کو پرن کرو بھیا مشن خاندر کرو کاگنی اپ چیز مگر کاگنی منسو درکا ہوں ان کے اکثر تر لوگ پوچھان سے اٹ از ا ریکارڈ اف ا پروگرام پلیز کنٹینیو یا تے چھ خاندر کرو تو ٹائم رائٹ ایج پہ یا تے چھ نہ کرو بالکل صحیح کیریئر چھ اکھ چیز کیریئر چھ بیاکھ چیز کیریئر ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں مگر کیا ہے کیریئر چھ اس ٹائم ٹو ٹائم سچویشن حساب بچے ییلہ آسان چھ تیل میل تمس کیریئر یوتانی سو دہ وہر واتہ تیس کا تمس کیریئر ضرورت دہ وہر پتہ کر چھ پانے پانس کیریئر ایجوکیشن کیریئر وہ کنٹینیو رہے گی اس میں کوئی سٹاپ نہیں اس میں کوئی منمانی نہیں اس میں کوئی یہ بند ہی نہیں شادی کے بعد لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے دویم لوکن ہندن گھرن من چھ شر کہ مگر ہون چھ ترے ترے ژور ژور ہونن چھ پالان تین تین چار چار ان کے اوپر پیسہ تو خرچہ ہوتا ہے نا کمائی وہی جاتی ہے اس سے اچھا اگر اپنا ہی بچہ ہو ایک دو ان کو پالو بالکل کاکنی صحیح بات بول رہی ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ کڑوی لگے مگر بالکل صحیح بات ہے یہ بالکل صحیح کہا تھا یس پرس ایسے ٹھیک ہے پیٹ بھی رکھنا ہے رکھو بٹ کئی لوگ میرے پاس بہت سارے مطلب فون بات کی ہے کئیوں کو بولا میں نے انڈیویجول لیول پہ میں کرتی ہوں کسی کو ایڈوائس تو بول رہے کہ یہ برڈن ہے بچہ ارے یار تم کتے رکھتے ہو دو تین وہ برڈن نہیں ہے صبح سے شام تک اس کا کھانا پینا اور اس کے لیے الگ نوکر اس کے لیے نیچے لے جانا اوپر لانا نہانا دھونا پارلر جاتے ہیں دو دو چار چار ہزار روپے لگاتے ہیں ان کے اوپر وہ برڈن نہیں ہے کیا غلط ہے میری بات سوری میری بات بری لگے گی لوگوں کو بٹ میں نے کہنا ہے کہ دیکھو آپ کے منہ سے سننی بات شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ بات اثر کر جائے کیونکہ ایشو برننگ ایشو دس ٹائم اکراس آل دی کمیونٹیز ناٹ اونلی ود دی کشمیری پنڈتس اچھی پانی کمیٹی بچا ہوئی اچھی پانی مطلب اسے تین دو کو دو چھٹیں اسے تین دو کو دو چھٹیں کام گچھے انٹرکراس میرج ہو رہی ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کم سے کم اگر اس کو نہیں روک سکتے ہو تو یہاں تو یہ تو روکو یہ چیزیں کم سے کم لیٹ لیٹ شادی مت کرو بہت اچھا کاغنی تھینک یو ایک جو ہے چلو میں وہ اب زیادہ ہو جائے گا اب میں دوسرا ٹاپک جو میرا اسی سے ریلیٹڈ تھا بٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ابھی جو میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا وریندر راول جی نے شروع کیا ہے پیرنٹس جو آج جو اس میں آپ کا ٹپکل انداز میں کاغنی کا چاہتا ہوں کیئر اینڈ جو کیریئر کے حساب سے میں نے بولا تھا ابھی اس میں جو بزرگ پیرنٹس ہوتے ہیں اگین دیٹ کمز دا کیریئر بنانے کے لیے تاتمس کیا کہا گئی منا پچھس تمن بچن وانا یہ میم کران چھنا ایمن چھ باسا برڈن پات مول موچ بٹ اس بچے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سو کیریئر چھ چون بنیو مدی کم سے تھرو چھ بنیو سکم کو نہ پورٹ تم کج مل مجھ پن مطلب نندر غب کرم کہ میون نیچو گھس بن یا کور گھس بن تم پہ تم سی شرس گھان بڑھن کہ ملس ماج کیر کر یا کیر کر تو ات مجھ بچن سان دھیان تھاؤن کہ بھیا تم آج بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کر رہے ہو یہ کس نے پہنچایا آپ کو کون کر رشتہ دہ چھن تھمت استان بی مندر تو کمہ خطر مے گھر شر بن
शूरील बनि हमें लायक वन मे कहीं पर्वा थकान मोल मोज थकान लूकन वन कि मोन नेचु स जाए मोन नेचु कर यूत सू आगे बढ़ थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है आगे कोचक चला मन जैसी थोड़ा नेट का इशू गसा मन चलो अब हम ये सीरियस टॉपिक को छोड़ते हैं। हम कुछ कागनी का कुछ टिपिकल अंदाज देखना चाहेंगे। बहुत नेट का इशू थोड़ा सा बीच में आ रहा है आपका, थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं। तो मैं कागनी का कोई टिपिकल अंदाज देखना चाहता हूं। मैं पहले कुछ फोटो शेयर कर रहा हूं, तो इसमें मुझे ना आप थोड़ा सा ये बता दें कि ये फोटोग्राफ्स का लिया बहुत डिफरेंट रूप से कागनी का। कौन विश्वास करेगा कागनी, इंदिरा गांधी। आपकी कलेक्शन है पास बीच में नेट नेट का आप करते हैं। ये शादी वाला फोटो है मैंने। ये क्या था, ये वाला? ये था जेके विचार पक्ष में प्रोग्राम था हमारा। अच्छा 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 तो मैं रोकूंगा उसको बता दीजिए। ये ड्रेस कंपटीशन था क्या? अच्छा 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 ये आप आज तक में आए, सुई प्रोग्राम चाहिए कश्मीर फाइल्स पे जो आज तक में आए थे आप? जी जी। डाटी लेखा 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 दशवे लेखा वंडर बोलिए आपने। ये कहाँ का? ये हारी पर्वत का था पहले एक्ट। ओके ओके। ओ ये कहाँ का? गुरुजी है श्री श्री रविशंकर उधर विज्ञान भवन में आए थे। ये मिशन 5000 में था। ओके ओके। जंतर मंतर। वो बात है मगर कागरी और फेरन पहनाया था इनको। जी जी इस बंद के जोर चौक तो कुर्स क्या बात। ये अभिनव गुप्त के ऊपर प्रोग्राम है। ये कहाँ पे? ये पल्लवी जोशी आई थी जेके विचार मंच पर, तो इसको भी फैरन पहना दिया उसने, उसको साफा बंदी की विवेक जी को। ये शादी पर है जो मेहंदी रात शादी थी। छोटी फोटो है। इसे फिल्म एक्टर ना? हाँ, ये फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में था तब का। ये कश्मीर का रहने वाली। ओ, आप मुझे इसके बारे में आप बता सकते हो? ये वाली। तो ये योगा का कैसे आपको आ गया था मन में, और आपने योगा अभी बताया कि तो ये के कुरु कचन रहता ना छे शारतन कोरशवादर कुरुत बोले योगा में भी आप मास्टर हो। जय कागनी जी। तो क्या आत्मज क्या करूं, मतलब सिर्फ योगा की कुछ और आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह?
एक्चुअली मैं योस एम ए तेम दो तिमन दो नो नो स्टार्ट कर मुतन आई थिंक 2006 में 6 5 5 और 6 के बीच में था। तो पतंजलि गए थे, वहाँ पे क्लासेस प्रॉपर होती थी, खाना पीना वहीं पे था। पता सेम सुन सुधा था पतंजलि जहाँ पे इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। फिर जाते थे हर्ब्स जहाँ इसका पूरा प्लांट प्लांट था हर्ब्स का, जो ये दवाइयाँ वाइया बनाता था वो पूरा देखते थे। तो योगा क्लास ही चलते थे, इंटरनेशनल लोग भी आए थे। योगा मास्टर? हाँ जी, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। क्या बात, तो कभी क्लासेस वगैरह कंडक्ट करा दिए, हमें भी कुछ योगा सिखा दिए। मैंने मैंने बहुत साल टिपिकल काक नहीं हुए और इधर का आता सांग नहीं कोई और चाचे तक ही वाद्य। चलो वंडरफुल वंश, में तो उन बेस हमारे पास है टाइम, अभी अभी 8 ही बजे हैं, 5-10 मिनट ले लूंगा मैं। और ब्याह चीज देखो, मैं विश्वास बन की मतलब क्या बोलो, मैं मल्टीफेसेटेड बोलना भी आपके लिए कम ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ आप जो है सेवाएं करती हो, इस ये तो सबसे बड़ी सेवा, इस विश्व माना नहीं, इससे सारी कुछ बड़ी सेवा सानी कम्युनिटी ये काकनी सेवा खासकर जो कल्पोष फाउंडेशन त्याग चला तात मुतलिक बन चुकी। कल्पोष फाउंडेशन बस वैसे ही करा सेवा, मतलब बिफोर कल्पोष फाउंडेशन का नाम देने से पहले ही मैं करती थी काम। बस गछान ये थे, यहाँ पे एक एनजीओ है रवि कालरा का, रवि कालरा साहब वो गुजर गए मतलब रिसेंटली इसी साल में गुजर गए। दैट इज आसान एबनॉर्मल यू गैरसनल पेरेंट ऑफ कडी मिच आसान ऑडियस ठीक दिमाग शांत आसान कात बात सब दिमाग से कर मेरे को बड़ा फील होता था उनके बारे में। वहाँ पे उस व्हील चेयर दिए है, बेड दिया है, मतलब खाने पीने का नवरात्रा का जो प्रसाद मैं मेरे को भंडारा करना होता था, मैं रॉ मटेरियल देती थी, मैं प्रसाद वसाद बना के नहीं थी घर में, गरस में से बना हुआ बट भंडारा देती थी ना वहाँ पे। हर तीसरे महीने में वहाँ पे उनको ये रॉ मटेरियल देती थी, जैसे तेल है ऑयल करना शुरू कर दिया, व्हील चेयर्स कहीं से भी मैं करती, कोई मांगता था वहाँ पे तो वहाँ पे कपड़े भी देते थे गौ रवि कालरा का यहाँ पे। देन जम्मू में मैं जाती थी हर बार ताकि ओल्ड एज होम में जाके मैं ब्लैंकेट्स खाना पीना सब कुछ। अब एक चीज़ बताऊँगी मैं, ओल्ड एज होम जम्मू में जो था अम्फला में, मैं एक बार यहाँ से गई हूँ कमले लेके, कम से कम ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 75 कमलों का वो था। मैं गई वहाँ पे, वहाँ पे जो केयर टेकर था, उसने वहां पे बोला मुझे कि मुझे दे दो ब्लैंकेट, मैं खुद दे दूंगा। बट उससे पहले मैं सर्वे करके गई थी वहां से, एक एक रूम में गई मैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आपकी फैसिलिटी आपका क्या है यहाँ पे, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये लोग लाते जो भी लोग इनको सामान देते वो बेच देते हैं इसलिए। फिर मैंने खुद ही तब से बोला कि मैं खुद ही अपने हाथ से इनको पकड़ाऊं। और फिर मैंने उधर वहां पे एक म्यूजिकल प्रोग्राम उनके लिए रखा है, मतलब वहां जाके चुत्युता वादु नीमा क्या मानते बहुत रोना आता है। फिर सेकेंड टाइम जब मैं गई वहां, आदमी लोग बैठे हुए थे, वहां एक आर्मी ऑफिसर था, वो रिटायर हो चुका था, वो बैठ के बात कर रहा था, मेंटली ठीक है, वो कार्ड्स खेलते थे, ताश सिस्टम के अंदर ताश खेलते खेलते मैं बैठ गई उनसे बातचीत करने। देखो मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैंने सब भाइयों की शादी की है, मैंने उनकी बच्चों को पाला है, पोला सब कुछ किया है उसने, बोले उन्होंने ही मुझे निकाल दिया घर से क्योंकि मैं रिटायर हो गया। वो इतना रो रहा था, मेरी भाई की बेटी उसको पाला है मैंने, मुझे इससे बात ये भी हमारे समाज का पहलू है मतलब बहुत दुखदायक कहानी। तो मेरे को लगा कि नहीं ऐसी जगहों पे करना चाहिए। इवन कि कोविड के टाइम पे 6 महीने ग्रेटर नोएडा में मैंने खाने का पूरा अरेंजमेंट रखा था, रोज सुबह जाती थी लंच ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वहाँ एक बंदे को मैंने पूरा रखा था, मैंने उसको बोला लाइव वीडियो मुझे डालना जिस टाइम आप दोगे और पैसा हम देते थे वहाँ पे जाके खाना, क्योंकि कोविड ट्रैवल करे तो होती है खड़ा कर मुझे वहाँ पे देने के लिए। पूरा 6 महीने चला पति गुड़गांव ऑलमोस्ट मेरे पास 1000 लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कोविड में फ्री दिया है।
कोविड के टाइम पे मैंने एक रेस्टोरेंट ही अडॉप्ट किया था, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद गए थे, तो उनको मैंने बोला, और बाकायदा उनसे मेनू पूछे, आज खाने का मन क्या करा, आप अपना मेनू दे दीजिए, अकॉर्डिंग दैट मैं वहां पे भेज दी थी रेस्टोरेंट की मैंने। मतलब बाकनी के कई पहलू हमें देखने को मिलते। तो कल्पोष फाउंडेशन इस तो इशुंकेनस इच्छा यह इमा जो सेवाएं जो आज जैसे आपने बताई वही सेवाएं कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये तो एक पार्ट है, कल्चर एक पार्ट है हमारा, बट स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं हमने। मैं को लगता है कि जो लॉकडाउन पहला हुआ था, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस ग्रीन इवेंट में मेंटेन करना था, कल्पोष को मिला था, तो वो किया है वहाँ पे। मैं कोविड के टाइम पे हम जाते थे वहाँ पे साफ सफाई करने के लिए, ऑलमोस्ट 1 लाख का फुटफॉल था वहाँ पे, वहाँ गमले वमले सब कुछ लगाए हैं हमने, और स्किल डेवलपमेंट किया है, एलमको के साथ जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस के साथ। कल्पोष का मतलब क्या है? कल्पोष, कल्पोष जो मैंने पहना है, कल्पोष का मतलब वही है, कल्पोष जो हमारी रेड वाली टोपी होती है, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये कल्पोष है, इसी के नाम से मैंने कल्पोष फाउंडेशन रखा है। देखा कहां से आपने जो है इसको भी यूज किया। अच्छा मैं आक्षिस कागनी जो पूछना मैं चाहता हूं, पहले तो मैं थैंक्स जो सुधीर कलू जी, रेखा पंडिता जी, राजीव जी, हिमा, सतीश, फरीदा शौक, थैंक्स हमारे साथ अभी राखी कोल जी भी देख रहे हैं, हिमा सतीश माय सिस्टर फ्रॉम पानीपत शी इज आल्सो वाचिंग, शशि पंडित वाचिंग फ्रॉम अनदर रूम, एंड हरीश पंडित माय ब्रदर इज आल्सो वाचिंग देयर, जिसने अभी ये सवाल पूछा था कल्पोष का। अक्ष होना कला वेलिंग ब्याक्ष, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो अभी बोल तो थोड़ा बहुत, क्योंकि यंगस्टर अंत फिगरी क्या मतलब को कलावली या आज इंग्लिश पोस्ट वाला बाया डाटा ने ब्याक्ष कलावली दूज सो वाला क्या था कलावली इन की कलावली में गलत बोल रहा हूं। अच्छा कलावली दूज क्या कलावली कलावली ना कलावली दूज दोच थवा यम नियरेस्ट रिलेशंस आसन लड़क वाले हैं तरफ जैसे पॉफ छ मास छ बेचेन छ दूरदराजी में छा कलवनी दो थावी इन दिखाओ अच्छा कलवनी चपनी आस थावा कलवनी दो ते आस थावा नन बाका ते पर्स आस थावा नन कलवनी दो छ आस थावल कलवनी दो छ हां दैट मच मतलब पॉप मास छ आस नियरेस्ट रिलेशन इन रोल छ सवारे इंपॉर्टेंट इन दी खतर आस थावा बड़े छ आस थावा नन हाई छ आस थावा नन मतलब यु टाइम ताकत है सोच था बट गरीब से गरीब अगर ऐसे ना कशीर ना पर मतलब सारे खत تم سے سے انکم بٹ کلولی دوچ چاپن تو پرس جو تھا ہونا سا میں آج کل تھا الگ الگ چیزن تو وہ تو الگ ہے جتنا جس کی حیثیت ہوگی بٹ کشیر تھا کلولی سو سا گفٹ کور والے ہن طرف لڑک والے یمن باقی پفن ماس بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا بھی واتلاپ چل رہی ہے مگر میں بیچ میں ایک ویڈیو اور نہیں مس کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے मगर मैं एक और पहलू जो मेरे साथ एक बार काकिन ने हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी जो बहुत ही लाइक की गई लाखों लोगों ने देखी उसे वो मैं दिखाना चाहूंगा होपफुली इसकी आवाज एक निका हलाज करिए ये काकनी का। अच्छा जब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा काकिन से ना होना की पीछे से एक्सटेम्पो जाना तो मैं काकनी को बार बार बोल रहा था जो स्क्रिप्ट लिखा है उसी के हिसाब से जाओ क्योंकि बाद में एडिटिंग में दिक्कत हो गई बट काकनी वा सो मच इन द टेम्पो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता था प्लीज देख लीजिए। हेलो नमस्कार क्या सवारे छिव सर से क्या करो न जाने फोन ही ताने पे वन सवारे से क्या ची आवाज डीजीज देजना से छसन दाग छम बासा जिगरा जान फटना छस आमुचा अक्या गो क्या दलील डॉक्टर साहब जी ए डॉक्टर एस क्या स गच इच नत से छुनी आला डॉक्टर एस निश की ए दाग जाने है जहन ए दाग वो तुम लल नावा दैत्र भरियो पेट क्या बने ए दैग یہ مشاہ ہے یہ مشاہ ہے آج چھو میں کوئی سے نہیں
ओ तोरुम फिक्री आज दर्दस एक ने कहा इलाज करित तुझे ऐसे सारनी बटन ये दूत यूज बे इलाज आज चुन कहा इलाज नचा दगी कहा दवा कशीर कजबन पने मर्ज कशीर ये मैं उच्चम की वीडियो शीन एक वीडियो है ये मिश्रियो अतए थाफ लज तुम्हें वीडियो उच्चन लज हम थाफ तुम शीन एक वीडियो चलो इससे पहले कि हम लोग इमोशनल हो जाएं बस मैं ये इसलिए भी दिखाना चाहता था कि बिकॉज काकनी और सितम साधन जल्दी ये भी बता दूं आपको थैंक यू हरमीत कौर जी रुकैया अजीज जी एंड माय ब्रदर अशोक जी हु आर वाचिंग रेखा इज स्टिल वाचिंग देयर राजीव इज देयर संजय शर्मा इज देयर रितु जी इज देयर वंशु वंशी के पंचाना पर बुछान एंड काकनी आई एम टेलिंग यू दिस इज द रिकॉर्ड कि इस टाइम तक अभी तक 8-10 हो गए हैं आई हैव टेकन द एक्स्ट्रा टाइम स्टिल पीपल आर वॉचिंग तो मैं ये वीडियो स्वयं यहाँ आऊँ क्योंकि काकनी का मैंने जो एक्टिंग का भी जो देखा इनमें जो एक्टिंग का एक मतलब जब काकनी एज काकनी मैं बोलूंगा नहीं वीना जी जब वीना वांचू जी जब एज अ एक्टर सामने आती है तो इसके कुछ सीन देखे ब्लीमी यम सातन यमशेष दौरमय करमी तम सातन तो ऐसे ऑब्जर्व करमुत अच्छी मोबाइल पर एम कर पानी गारी तो मगर पानी गारी पात कर में आते एडिटिंग सीन बहुत पान में हिसाब एडजस्ट करा एंड कुछ सीन से मुझे रिला दिए इसने मुझे रिला दिया सो तेम साथ जो इसकी एक्टिंग की कैपेसिटी कितनी है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और कितना डीप गसान चाहिए किस रोलस मंजी है तो बहुत जल्दी हम काकनी के साथ कोई ना कोई क्योंकि आजकल जो काकनी ब्याह कथ उस काकनी में जरूर प्रश्न पानी टिपिकल काकनी शुरे मुतल वो नहीं सकी पानी टिपिकल काकनी अंदाज में आपके बच्चे क्या सामान तो शुरू से में से भगवान जी के बाहर का रूज बूझ होता आई ऐसे लख ये रूम रे से मैं आई मस्त ने रूम ताई लेक तने मम्मी चम नीच चम ते में चम खान दर को रूम पास से स्नाई ते वाले मुंजे न क्लिस मुंजे न क्लिस स्नाई ते वाले मैं चम कल के निकस खान दर दसम बस हता रिश्ते दारी गई वैसे ही खत्म थो मे जंगन टुकर दीवो ग दोपम खान पे सी वो पे कार्ड नहीं कह जगि मूजूब तुम नून प्यों की दी सो तम कागनी के साथ बहुत सारी बातें रह जाती है मुझे कागनी का याद है कि जब कागनी ने पहली बार मोबाइल यूज किया था वो भी बहुत क्योंकि टाइम हमारे पास कम है बट वी रियली रियली एंजॉयड दिस मैं 12 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता हूं कि जबकि अभी भी हमारे पास 51 पीपल जुड़े हुए हैं दिस इज अ रिकॉर्ड काकनी और मैं जरूर आपके साथ दोबारा प्रोग्राम करूंगा क्योंकि द वे काफी चीज है बुछान जुस वीना वांचू मंस नॉट ओनली काकनी वीना वांचू में एक मां भी है वीना वांचू में एक काकनी भी है जो बिल्कुल उसी अंदाज में सोचती है जो हमारे कशीर मंजूसा वीना वांचू में एक ही चीज नहीं है वीना वांचू में बहुत सारी चीजें हैं और एक मदरली रूप तो है ही है वीना वांचू और एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है थैंक यू वीना जी आज आपके साथ बहुत मजा आ गया रियली कहता हूं रियली एंजॉय आई ऑलवेज एंजॉय जब भी मैं छन वाले की छस पे थैंक यू करा कि तुम कुल पानो टाइम केनस टिपिकल कागनी अंदाज में वन टिपिकल कागनी नेरा नेरा टिपिकल कागनी अंदाज में वन सब्जार पीनो वन कहना सरकार दक्षिण कि खोवर कैसे तो मे फल पन्न गर बच्चन सब
ओके ओरजू तो नमस्कार ओरजू काकनी ओरजू गॉड ब्लेस यू काकनी। बहुत ही आनंद आ रहा था काकनी के साथ क्योंकि काकनी उछान चेस पानुन लोकचार शायद ये मैनी देजी जी खास कर तिमची उछान लोकचार ये लेस खास कर काकनी हम साथन दादी या नानी है आसान तिम साथन कूता मोहब्बत है सिमदिमा पन्ने टिपिकल अंदाज में मिश पेवा पानी का थियात अगि दो आ इस शित्रे बय त्रणवे बय आ ठुलकल करी लोकचारस ये काच में वंती याद खबर कूता लाकोटा से काकनी उस सान मैं सान दादी उस बोझवा की तिम सुन काकनी ऐसे कोस मास तेम को सारनी त्रणियन तिमन ठुलकलन अथ लोगन पद कीचा मास तेम करमि बराबर दिचन इथे के अई इथे के उनके सई कागज दिवा। सो आपसे इजाजत लेता हूं इसी बात के साथ दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी नवंबर के फर्स्ट वीक में एक बहुत ही यंग कलाकार के साथ एंड वहां पे यादों के वर्क तो इतने नहीं होंगे जितना हमारे लेटेस्ट चीजें जो वो हमारे कलाकार कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत जल्दी मिल रहे हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में फ्राइडे को आई थिंक इट इज फिफ्थ। सो दोबारा मिलूंगा बहुत जल्दी आपको इन्हीं मुलाकात के साथ जहां पे हम कुछ यादों के वर्क फिर पलटेंगे। और जो सारनी गॉड ब्लेस यू ऑल।